महाकाल लोक और मथुरा कॉरिडोर के बाद अब सरकार द्वारिका के देवभूमि कॉरिडोर बनाने की तैयारी में है। केंद्र सरकार द्वारिका को पश्चिम भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बनाने जा रही है। इसके लिए जन्माष्टमी से कॉरिडोर का काम शुरू किया जाएगा। महाकाल लोक की तर्ज पर द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर से लेकर बेट द्वारका और ज्योतिर्लिंग नागेश्वर तक सभी मंदिरों को जोड़ा जाएगा। इसमें द्वारकाधीश मंदिर, रुक्मणी बलराम मंदिर से लेकर नारायण मंदिर तक शामिल है। जन्माष्टमी से द्वारका में देवभूमि कॉरिडोर का काम शुरू हो जाएगा। बता दें, भगवान द्वारकाधीश के रूप वाली 108 फुट की मूर्ति बनेगी। इसे कृष्ण की सबसे ऊंची मूर्ति बताया जा रहा है। ये मूर्ति गोमती के किनारे पंचकोई क्षेत्र में बनेगी। जन्माष्टमी पर इसका भूमि पूजन होगा। मूर्ति पर द्वारका का इतिहास, संस्कृति और धार्मिक महत्व बताने के लिए साउंड एंड लाइट शो होगा। वहीं आपको बता दें, गुजरात के सबसे बड़े धार्मिक प्रोजेक्ट में न सिर्फ द्वारका की सूरत बदलेगी बल्कि शिवराजपुर समुद्री इलाके को भी डेवलप किया जाएगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में।